A lady traffic constable was allegedly thrashed by a Shiv Sena worker in Thane. The Shiv Sena worker was stopped for using cell phone while driving, following which he thrashed the female cop and was eventually booked under sections 323, 353 and 354 of the IPC. Giving details, Deputy Commissioner of Police Rashmi Karundikar said a letter has been sent to the Regional Transport Office for suspending the convict's driving license. महिला कांस्टेबल जो है वो नितिन कंपनी के यहाँ वाहतुक जो है वो कंट्रोल कर रही थी. वो कंट्रोल करते वक्त ये जो वाहन चालक है वो वहाँ पे आया. उसने उससे बदतमीजी की, बुरा व्यवहार किया. तो उसके बारे में जो 354 और 350 के तहत ऑफेंस है वो नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में दाखिल किया गया है. उसको कल अरेस्ट किया था. आज भी उसकी एक दिन की पीसी एक्सटेंड करके मिली है और उसकी गाड़ी जो है वो इस गुनाह में जब्त की जा चुकी है. एंड वी आर गोइंग टू टेक अ स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव एक्शन ऑल्सो. तो उसकी जो लाइसेंस है, वाहन चलाने का परवाना है, वो भी सस्पेंड करने के लिए RTO को लिखा गया है. जब कल वो लेडी कांस्टेबल को पुलिस स्टेशन में लाया गया तो उसके नाक से खून बह रहा था. उसको हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए भी भेजा गया है और उसकी ट्रीटमेंट कल कंप्लीट की गई है. उसने देखा कि वो मोबाइल पे बात कर रहा है. सिग्नल शुरू होने के बाद भी उसने गाड़ी आगे नहीं ली. इसके बारे में वो पूछने के लिए गई. उसके बाद थोड़ा आगे जाके उसके साथ जो है वो बुरा व्यवहार आरोपी ने किया है, महिला ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ. Correspondent Ashok Gupta from Thane for ANI.